प्रॉब्लम सॉल्व करने। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, आपको आपके फेयर नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड करेंगे हम स्टूडेंट्स। फरहान बॉट अ बुक फॉर रुपीज 258.50। फरहान ने बुक परचेस की स्टूडेंट्स। जो बुक की प्राइस है वो है रुपीज 258.50 एंड ही गेव रुपीज 500 टू द शॉपकीपर। अब बुक की जो कॉस्ट है वो इतनी है 258.50, लेकिन उसने क्या किया स्टूडेंट, जो 500 रुपीज है शॉपकीपर को दिए। सो हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। अब ऐसे तो नहीं होगा स्टूडेंट्स कि शॉपकीपर पूरे जितने पैसे दिए उतने ही रख लेगा, नहीं। तो क्या होगा, जितनी कॉस्ट होगी ना बुक की उतनी वो रखेगा और बाकी के पैसे क्या है वो फरहान को रिटर्न करेगा। तो हमें वो देखना है कि फरहान को कितने रुपीज शॉपकीपर ने रिटर्न किए। तो इसमें से अगर 500 में से आप इतनी बुक की जो प्राइस है वो लेस कर लोगे, कम कर लोगे, तो बचे हुए रुपीज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो देखना है यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो सबसे पहले गिवन थिंग है मनी गिवन टू शॉपकीपर, यहाँ पे आएगा रुपीज, यहाँ पे आएगा पैसे, कितने रुपीज दिए है, यस 500, पैसे नहीं तो आप 00 लिख दो। सो कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट की बुक क्या है स्टूडेंट 285, पैसे 50। अब आपको यहाँ पे करना है सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे क्या आएगा 0050, लेकिन स्टूडेंट 0 में से 0 गए, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर 0 में से 50 नहीं जाएगा तो आपको यहाँ पे 100 पैसे लेने पड़ेगा। अब 100 पैसे अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो 100 में से 50 देखो है ना, 100 पैसे ले रहे हो आप वहां से, फिर आपको 50 माइनस करना है, 10 माइनस 5 कितने बचे 50, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 50 लिख दो। लेकिन 500 है तो 100 पैसे कम हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस यहाँ पे हो जाएगा 400। अब 400 हो गया है तो 400 माइनस 285 करना है आपको, क्या करना है 400 माइनस 285, सो 10 में से 5 गए, यस 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 गए 1, सो 115 रुपीज। सो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा एक्चुअली मनी, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स मनी ही गेट बैक, ओके। सो दस फाइनल आंसर, दस फरहान गेट बैक कितने रुपीज आए उसको, रुपीज 115.50 बराबर, 115.50 उसको रुपीज रिटर्न आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वीडियो को पॉज करके इसे भी आपको क्या करना है नोट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है वो देखेंगे हम स्टूडेंट्स, यस लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपको होमवर्क करना है। मनोज स्पेंड्स रुपीज 785 ऑन ट्रेन फेयर, रुपीज 245.50 इन बाइंग गिफ्ट्स एंड रुपीज 528.50 इन बाइंग अ स्वेटर, व्हाट इज हिज टोटल स्पेंडिंग। देखो मनोज ने ट्रेन फेयर पर ₹785 स्पेंड किए, फिर उसने गिफ्ट्स खरीदे स्टूडेंट्स कितने रुपीज के, रुपीज 245.50 की, फिर उसने क्या खरीदा वापस, एक स्वेटर खरीदा जिसकी प्राइस थी, जिसकी कीमत थी रुपीज 528.50। अब क्या हो रहा है, हमें पूछा है कि उसने टोटल रुपीज कितने स्पेंड किए, मतलब खर्चा किया उसने, तो इन सब की हमें क्या करनी है टोटल करनी है। तो सबसे पहले गिवन थिंग आएगी मनी स्पेंड ऑन, यहाँ पे आएगा रुपीज, यहाँ पे आएगा पैसे। सो मनी स्पेंड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर कितना खर्चा किया उसने, ये 785, 00 लिख दो, यहाँ पे पैसे नहीं है। मनी स्पेंड ऑन गिफ्ट, गिफ्ट पर कितना खर्चा किया 245.50 पैसे। एंड लास्ट इज मनी कॉस्ट ऑफ अ स्वेटर, स्वेटर की कितनी कॉस्ट थी स्टूडेंट्स, यस 528.50
पैसे। अब टोटल स्पेंडिंग हमें निकालनी है, सो 0 + 0 = 0, 5 + 5 = 10, बराबर 50 + 50 = 100 हो रहा है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, अगर 100 हो रहा है या फिर 100 से ज्यादा हो रहा है तो आपको रुपीज के तरफ आपको देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यस आप क्या करोगे, 1 रुपीज यहाँ पे दे दोगे या फिर आप यहाँ पे 1 कैरी लिख दो। सो 5 + 5 = 10, 10 + 18, 18 + 1 = 19, बराबर। अब 19 वापस 1 कैरी आ गया, 8 + 1 = 8 + 2 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 1 = 15, 1 कैरी, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15। सो टोटल कॉस्ट, टोटल स्पेंडिंग, देयरफॉर ही स्पेंड रुपीज 1559 रुपीज। 0.00 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे है ही नहीं। सो ही स्पेंड रुपीज 1559। ये था 5 नंबर का एग्जाम्पल। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, आपके फेयर नोटबुक में इसे नोट डाउन करना है। और जो एग्जाम्पल नंबर 6 होगा वो भी इसी तरह होगा, लेकिन सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगा, तो वो आपको नोटबुक में सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स एंड अवर सेशन हियर। हमारी एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो चुकी है, हमारा सेशन खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग मनी। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।